just forget to record it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I'm saying today our topic is about clipping. And more specifically, we have an algorithm called Cohen Sutherland's algorithm. There were two guys who gave us the algorithm for clipping. So what does the clipping mean? Clipping means if you have, this is your window, okay, the screen to show, and your picture is huge. Say, for example, the picture is this big triangle, okay? And if you see in my screen, only this line comes up, okay? So that means all of this is truncated, clipped. So this is the part which is not shown is clipped. So clipping is something to show, hide those things which are not coming in a screen and to show only those things which come in a screen. That's called clipping. Now, Cohen Sutherland give what is called as a line clipping algorithm. Line line clipping algorithm. Okay. So लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या है कि अगर आपके पास ये आपका स्क्रीन है या व्यू पोर्ट कहें आप, ठीक है, तो इसमें या आप विंडो ही कह लें, सिंपली बात है, तो इसमें अगर कोई लाइन आती है, जैसे ये लाइन है, ऐसे कोई लाइन यहाँ पे है, कोई लाइन यहाँ पे है, कोई लाइन यहाँ है, कोई लाइन यहाँ है, ठीक है, कोई लाइन यहाँ से है, कोई पूरा पार कर रही है, कोई ऊपर से घुस रही है, कोई नीचे से है, कोई साइड से घुस रही है, तो इन सब लाइंस के अंदर ये वाली लाइन दिखेगी नहीं, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी, और ये वाली जो है 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से अगर कोई ये लाइन है, ये वाली बीच वाली, ये पूरी की पूरी एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके लेकिन जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस है, इसमें से ये एक्सेप्ट नहीं होंगी जब तक हम इसको क्लिप नहीं करेंगे. सो दे आर फॉर द क्लिपिंग केस, कि इसमें हमें काटना पड़ेगा, इतना सारा जो है इसमें दिखेगा, ठीक है, यहां से यहां तक इसमें दिखेगा, यहां से यहां तक, यानी कि दो क्लिप हो जाएगा यहां पे और यहां पे, ये वाली यहां पे क्लिप होके इतना दिखेगा, ये वाली यहां पे क्लिप होके इतना दिखेगा, और ये वाला बाकी कटेगा, क्लिप हो जाएगा. ओके, डज इट मेक सेंस? अब हम कैसे इस लाइन को क्लिप करें? आर यू गाइस विद मी? इंटरनेट चल रहा है? इज माय वॉइस कमिंग? यस सर. इसको हुआ क्या फिर? ये कहाँ गया? वन नोट, वन नोट ही गायब हो गया. क्रॉस कैसे हो गया? एनीवेज, सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप क्लिप करना चाह रहे हो और इस सूरत में जो आपके पास होगा, कुछ चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, कुछ लाइन जो बिल्कुल स्क्रीन के अंदर आती है, जैसे ये लाइन है, ये टोटली एक्सेप्ट हो जाएगी. सो यू हैव टू केसेस, आइदर यू ट्रिवियली एक्सेप्ट, ठीक है, और यू ट्रिवियली रिजेक्ट. या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे. सो आइदर यू ट्रिवियली एक्सेप्ट और यू ट्रिवियली रिजेक्ट, ठीक है ना. रिजेक्ट किसको करोगे? जो बिल्कुल स्क्रीन के बाहर आती है, ये स्क्रीन है, लाइन बाहर आ रही है, इसको रिजेक्ट करेंगे. ये लाइन है, लाइन स्क्रीन के अंदर आ रही है, ये ट्रिवियली एक्सेप्ट होगी. लेकिन कुछ हाफ, देखिए ये पेन जो मेरा है, इसका हाफ बाहर है, हाफ स्क्रीन के अंदर है. जो अभी दिख रहा है मेरा, मेरी शक्ल दिख रही है आपको, वहां पे आप देखो पेन हाफ बाहर हाफ अंदर, तो ये ट्रिवियली एक्सेप्ट होगा आफ्टर क्लिपिंग, यानी कि इतना सारा इसको क्लिप होगा, इतना पार्ट वो फेंकेंगे, ये वाला रखेंगे. सो ट्रिवियली एक्सेप्ट में या तो कंप्लीटली एक्सेप्ट होगा या क्लिप एंड एक्सेप्ट होगा. फर्स्ट क्लिप देन एक्सेप्ट, क्लिप एंड एक्सेप्ट होगा, ठीक है सर, समझ में आ रही है? अब कोहेन एंड सुदरलैंड ने किया क्या? उसने कैसे कहा कि हम ये कैसे करेंगे, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे किसी चीज को और कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी चीज को. तो उसको समझने के लिए उन्होंने एक कोड दिया कॉल्ड एबीआरएल कोड.
एबीआरएल कोड बोले या रूल बोले, ठीक है, एबीआरएल, ए मींस अबो, बी मींस बिलो, आर मींस राइट, एल मींस लेफ्ट, अबो बिलो राइट लेफ्ट, अबो बिलो राइट लेफ्ट। पहले ये मसला है कि अगर मेरे पास ये विंडो है, ठीक है, ये कहीं पर है मेरे पास विंडो, तो इस विंडो का ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, है ना, एक्स एक्सिस में, और ये इसका एक्स डब्ल्यू मैक्स होगा, होगा नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, नाउ दिस वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स वाई मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम है, मिनिमम यहां से है, ये इस पॉइंट का होगा एक्स डब्ल्यू मिनिमम, वाई सॉरी वाई डब्ल्यू मिनिमम एंड वाई डब्ल्यू मैक्सिमम, ये वाई मैक्सिमम है, ये वाई मिनिमम है ना, ये एक्स जो है मिनिमम एक्स है विंडो का और ये मैक्सिमम एक्स है, यानी कि इस विंडो में ये जो पॉइंट है ये एक्स डब्ल्यू मिनिमम है, क्योंकि ये मिनिमम है ना यहां से शुरू, और एंड कहां पे है, मैक्सिमम कितना है इस विंडो का, ये एक्स में, यहां पे आएगा ना एक्स एक्सिस, सो ये इसका एक्स डब्ल्यू मैक्स, यानी कि विंडो का एक्स मैक्स ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही देखेंगे हम, यहां से देखेंगे, ये इसका वाई डब्ल्यू मैक्स है और ये इसका वाई डब्ल्यू मिनिमम है, इस पॉइंट पे क्या होगा वाई, बता मुझे एक्स कितना होगा वाई कितना होगा, एक्स डब्ल्यू क्या होगा यहां पे, वाई मैक्स, एक्स एक्स, एक्स डब्ल्यू कितना होगा, एक्स डब्ल्यू मैक्स, मैक्स ही होगा, क्योंकि ये है ना यहाँ पे मैक्स, इसके साथ ही है ना मैक्सिमम, और ये है इसका मिनिमम, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्स सेम है ना, तो एक्स डब्ल्यू मैक्स होगा, वाई कितना होगा, वाई डब्ल्यू वाई बी मैक्स, क्योंकि वाई यहां से निकालना, ये मैक्स है वाई का और ये है वाई का मीन, ये ना वाई मीन, ये है वाई मैक्स, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा एक्स और वाई कितना होगा, आज इंटरनेट की वजह से कुछ ये भाग रहा है, इसमें वॉइस क्लियर, वन नोट कुछ भाग रहा है, फिर नेट बैठ रहा है, एनीवेज उसी थी एंटीबायोटिक, आई एम ऑन एंटीबायोटिक्स, इट्स आल्सो एंटीबायोटिक्स आई गेस, सो मुझे बताओ आप ये कि इस पॉइंट पे y तो मैक्स है क्योंकि यहां से निकलेंगे, x कितना होगा, व्हाट विल बी xw हियर, मिनिमम, मिनिमम, बिकॉज़ ये वो यहां से निकलेगा, सिंपल सी बात है। इस पॉइंट पे क्या होगा x और w, y, x कितना होगा, xw मिनिमम, मिनिमम, और y मिनिमम, y भी मिनिमम, क्योंकि y भी ये मिनिमम है इसका और x भी मिनिमम है, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट अगर होगा मेरे पास जिसको एक्स डब्ल्यू मिनिमम से उसका x होगा, उसका एक्स डब्ल्यू मिनिमम से लेस देन होगा, यानी कि यहां से कोई पॉइंट होगा, या एक्स डब्ल्यू मैक्स से यहां से कोई पॉइंट होगा, या वाई डब्ल्यू मैक्स से ग्रेटर देन यहां से होगा, वाई मैक्स के ग्रेटर देन यहां से होगा, ठीक है, उनको हम रिजेक्ट करेंगे। और कोई पॉइंट अगर इसके अंदर है, द पॉइंट इज एक्स डब्ल्यू मिनिमम इज ग्रेटर देन दिस whatever the x it is it has and it is less than xw max, yani ki uska matlab hai inke beech mein hai, so we can take that, we can accept that. Ab masla hai ki agar mujhe lines aati hai, mujhe kuch reject karna hai, mujhe kuch points mujhe jo hai reject karne hai, kuch clip karne hai wagaira wagaira, uske liye mere paas kya diya code, abrl code. This is a 4-bit code. ठीक है, A, B, above, below, right. जो ये between वाला है ये मेरी window है जिसमें मैं पकड़ सकता हूं, इसका कोड मेरे पास होगा 0000. ठीक है, क्या है मेरे पास का कोड,
जीरो 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 जीरो, क्योंकि इसका एबो भी जीरो, बिलो भी जीरो, राइट भी जीरो, लेफ्ट भी जीरो, दैट मीन्स इट इज इन द विंडो, इट इज इन द विंडो. ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये क्या है, ये वाला पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट, एबो. ये एबो भी है और राइट भी है, क्योंकि एबो ये है ना, ये एबो है, ये बिलो है, ये एबो और राइट है, ये क्या है, एबो एंड लेफ्ट. व्हाट इज दिस वन, ये इस विंडो के बिलो है और लेफ्ट में है, और बिलो एंड लेफ्ट है. व्हाट इज दिस वन, बिलो एंड राइट, बिलो एंड राइट. इसका एबीआरएल कोड देखेंगे, एबो में एबो है, ये वाला एबो है, हाँ है, तो वन ला एबो के ऊपर वन डालो इस ए का. क्या ये बिलो है, क्या ये बिलो है, बी. क्या ये बिलो है, नहीं ये बिलो नहीं, एबो है ना, एबो अगर है तो बिलो कैसे होगा. क्या ये राइट में है, क्या ये, मैं इस डबे, इस डबे की बात कर रहा हूँ, इस डबे की बात, लेफ्ट. सो क्या ये राइट है, नहीं. क्या ये लेफ्ट में है, हाँ. तो ए में आएगा वन एंड एल में आएगा वन, ए बी आर एल में ए में वन, एल में वन आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है. हिना फयाज बताएगी मुझे, ये एबो है ना, ये वाला, इसका एबीआरएल कोड क्या आएगा, इसका yes, sir. इसका एबीआरएल कोड क्या आएगा सर, इसका बस अब वो वन होगा, बाकी जीरो होंगे. माशाल्लाह, नाइस. तो इसका वन जीरो जीरो जीरो. इंशा कयूम, इसको बता मुझे, इस वाला का, इसका बता, बिलो का बी है ना, ये बिलो इस विंडो के, क्योंकि हमारी विंडो कौन सी है, जो हमारी विंडो है जो दिखती है वो ये है, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है. बाकी विंडोज कोई इसके इसी विंडो के कोई एबो है, कोई इस विंडो के बिलो है, कोई इस विंडो के एबो राइट है, कोई इस बिलो लेफ्ट है. फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसकी बिलो की, तो बिलो में क्या कोड होगा सर, जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो जीरो, बिलो में वन होगा, बाकी जीरो होंगे. वेरी गुड मोहसिन, आप बिलो राइट का बताओ, ये जो बिलो राइट है, क्योंकि बिलो भी है राइट भी है, तो क्या आएगा कोड, जल्दी बताओ. 0110 0110, शाबाश. माजिद इसका बता, बिलो बिलो लेफ्ट का, जीरो जीरो, यू आर म्यूट माजिद रियाज, नहीं उठा चुक, क्योंकि बिलो और लेफ्ट है. आप म्यूट हो यार, अनम्यूट करो ना खुद को. माजिद को बोल रहा हूं मैं, माजिद थोड़ी लड़की है. माजिद म्यूट हो आप. निशा आप बताओ मुझे, निशा, निशा आप बताओ, क्या आएगा इसका कोड, क्या आएगा इसका कोड, जीरो 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 आएगा. ये बिलो और लेफ्ट है ना, ये बिलो और लेफ्ट है, बी और एल, उसमें वन आएगा. So what will be answer? देखो बिलो है ना, देखो बिलो है, वो बिलो है, हाँ है, और लेफ्ट है, यानी कि ये और ये वन होंगे, बाकी जीरो होंगे, तो क्या आएगा कोड, जीरो. निशा यहाँ देखो क्या तमाशा रखा रखा है, इट्स वेरी सिंपल, ये तो एबीसी किसा है. जीरो वन, जीरो शाबाश, जीरो वन, फिर जीरो वन, जीरो जीरो वन जीरो वन, क्योंकि एबो एबो में जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि एबो में जीरो आएगा, क्योंकि एबो नहीं है, बिलो है तो वन आएगा, राइट है नहीं है, राइट जीरो, लेफ्ट में जीरो, तो लेफ्ट है, हाँ है, तो वन. माजिद रियाज का बताओ लेफ्ट का बताओ जल्दी से, इसका बताओ लेफ्ट का, खाली लेफ्ट वन है, बाकी सब जीरो है, तो क्या आएगा. चाचू म्यूट थो मत, अनम्यूट करो ना खुद को, आपका म्यूट है भाई. समीना जाफर आप बता मुझे इसका लेफ्ट का, जीरो 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 वन, क्योंकि लेफ्ट, खाली लेफ्ट में बनाएगा. राइट का बताएगी मुझे इंशा कुरैशी, ने बताया इंशा कुरैशी, इंशा कुरैशी, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट बाय द वे. इंशा कुरैशी ना, क्या इशरत कुरैशी, जीरो जीरो वन जीरो,
जीरो जीरो वन जीरो क्योंकि राइट पे वन है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तेरी गुड इज गुड, मेरी गुड इज इक्वल टू वेरी गुड. साफिया आप बताओ बेटा इसका एबो राइट का. सिर्फ 1010 बिकॉज एबो ए बी आर एल एबो है, बिलो नहीं है, राइट यहाँ है, लेफ्ट जीरो. सारे हो गए ना, सारे हो गए. वेरी गुड. सो ये कोड ए बी कोहेरेंस स्विट्जरलैंड दिए. अब उसने ये कोड क्यों दिए? उसने कहा कि क्योंकि हमें फिगर आउट करना है कि क्या लाइन एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, क्लिप करनी है ना. मेरे पास तीन चीजें, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ट्रिविली एक्सेप्ट करूंगा, या तो मैं रिजेक्ट करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं क्लिप करूंगा. तो अगर फर्ज कीजिए कोई लाइन ये है और मुझे बता रहा है कि क्या इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या कि इसको ट्रिविली एक्सेप्ट करना है, ट्रिविली रिजेक्ट करना है, या क्लिप करना है, तो मैं इसके पॉइंट्स देखूंगा. जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये किस में ओरिजिन करते हैं, मैं देखूंगा इसका पी एंड क्यू. अब पी एंड क्यू, पी का 4-bit ARL ABRL कोड क्या है? 0000. और क्यू का क्या है? ये पी का है. क्यू का ABRL कोड क्या है? 0000. तो उसने कहा कि अगर दोनों के 0000 आते हैं, ABRL कोड दोनों पॉइंट्स के आते हैं, तो एल्गोरिथम ऐसा चलेगा. ये पहला केस होगा कि अगर दोनों पॉइंट्स के ABRL कोड 00 आएगा, तो इनका एंड भी तो 000 ही आएगा, तो पता ही है. तो इसको आप ट्रिवेली एक्सेप्ट करें, उसका मतलब है कि बंदा जो ये लाइन है वो 100% विंडो के अंदर है. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो होगा हमारा एल्गोरिथम का, कि अगर दोनों पॉइंट्स उनके क्या ABRL कोड 0 निकलते हैं, सो ट्रिवेली एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज 100% इनसाइड व्हाट. हां जी, it is 100% inside screen. The window. It's inside the screen. You're right. Or window. So that means we had to accept it. अब अगर line फर्ज कीजिए कोई यहाँ से यहाँ जाती है, ऐसे ये line, ये P and Q मेरा है. अब P क्या है इसमें? 1001. और Q क्या है इसका? 1000. इनका add करें आप. 1000. इनका add करें. 10 is 0. 00 is 0. 00 is 0. 11 is 1. So, एंड करके क्या निकला यहाँ पे? अगर एंड करके वन निकलता है, देखिए अगर आपका ये जीरोस नहीं आते हैं, अगर आपके जीरोस दोनों आते हैं तो उसका मतलब है विंडो के अंदर है. अगर जीरोस नहीं आते हैं तो उसमें या तो ट्रिविली रिजेक्ट होगा या तो क्लिपिंग केस होगा. वो कैसे पता चलेगा? एंड करके. आप एंड करो इनका, अगर वन आता है एंड करके, जीरोस नहीं आते हैं, सो ट्रिविली रिजेक्टेड, ये 100% विंडो के बाहर है. ठीक है, आप कोई भी लाइन उठा लो जो कि लाइन बाहर हो, इस विंडो के बाहर हो. फर्ज कीजिए मैं ये और ये करता हूं, इसका है मेरे पास 0010 P और Q क्या है मेरे पास 0110. इसमें यहाँ पे 1 निकल रहा है, बाकी 0 के लिए 1 निकल रहा है, तो ट्रिवली रिजेक्टेड. सो हमें कुछ चाहिए ना एल्गोरिथम से, हम प्रोग्रामिंग में करें कि हमें पता चले कि भाई साहब ये लाइन जो है ये बाहर है. तो उसने देखा कि सर अगर फिलहाल हमने दो केसेस किए, अगर आपके दोनों P एंड Q जो ओरिजिन एंड जो एंड पॉइंट एंड बिगनिंग पॉइंट आपके लाइन का है, अगर वो ऑल जीरोस हैं ABRL कोड के हिसाब से, तो उसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट. उसका मतलब है कि ये कहाँ पे है, उसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे है? इनसाइड द विंडो. वेरी गुड. अगर जीरोस नहीं है, उसका एंड किया हमने, और एंड करके मुझे कहीं पे वन निकलता है, एंड ऑपरेशन में कहीं पे क्या निकलता है? वन. So trivially rejected, it means 100% is outside the window. I do not, this is not a clipping case. अब कोई चीज ऐसे हो सकता है, फर्ज कीजिए मैं ये लाइन लेता हूं जो आधी यहां से है, आधी इसके अंदर है. ठीक है, आधी बाहर है, आधी अंदर है. अब बोलो इसको, इसका क्या होगा? इसका P पॉइंट आ रहा है 0000 और Q क्या आ रहा है? 0010. ठीक है, इसका जब एड करेंगे क्या निकलेगा? 0000. तो उसका मतलब हुआ कि जब दोनों को हमने एड किया, उसका एंड जीरो निकला. एंड क्या निकला? ये क्लिपिंग केस है, ये वाला क्लिपिंग केस है, ये वाला क्या है? सो आई हैव टू क्लिप इट, आई हैव टू क्लिप इट वायर हियर एंड टेक दिस मच ऑफ लाइन. सो आई हैव टू क्लिप इट हियर. नाउ क्वेश्चन इज हाउ आई विल क्लिप. दिस इज द क्वेश्चन. Do you understand the things? ABRL code का stuff समझ आ गया कि भाई साहब अगर दोनों zeros हैं
क्या 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 होंगे जीरोस जो उस लाइन के बिगनिंग पॉइंट एंड पॉइंट, अगर दोनों जीरोस हैं तो ट्रिविली एक्सेप्टेड ये विंडो के अंदर है। अगर आपके जीरोस नहीं आते हैं पी एंड क्यू, व्हाट इज पी एंड क्यू, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन, अगर पी एंड क्यू चैट में क्या है, पहले मैं चैट देखूंगा, म्यूट नहीं है सर, माइक चल ही नहीं रही है, ओके नो प्रॉब्लम, सो यू कैन आंसर बैक इन द चैट विंडो व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन इफ देयर इज नो म्यूट ऑप्शन, अनम्यूट ऑप्शन। एनीवेज, अब दूसरा केस क्या है कि अगर आपके जैसे ये था कि आपका पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट उसका एबीआरएल कोड जीरो नहीं आ रहा है, आपसे एंड करो, एंड करके अगर वन आता है तो ट्रिविली रिजेक्टेड, अगर इसी तरीके से एंड करके जीरो आते हैं तो क्लिप इट, यू हैव टू क्लिप इट, यू हैव टू, द क्वेश्चन इज हाउ आई क्लिप, नाउ आई क्वेश्चन इज हाउ टू क्लिप, ठीक है ना, समझ आ रहा है। फर्ज कीजिए मेरे पास ये विंडो है और मुझे यहां से आता है ये ऐसे लाइन है, तो उसका मतलब मुझे क्लिप यहां करना चाहिए ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं यहां क्लिप करूंगा, ठीक है, हाउ आई कम टू नो दैट आई हैव टू क्लिप इट हियर एंड वायर आई हैव टू क्लिप एग्जैक्टली हियर आई हैव टू क्लिप। सो पहली बात मुझे पता होनी चाहिए कि इसकी स्लोप क्या है, दिस लाइन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि जब मैं इस लाइन पे आऊंगा ऐसे 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 करके मैं इसी स्लोप से आऊंगा जब तक ये इंटरसेप्ट पे ना पहुंचेगी। सो इसमें मेरे पास एक दो तीन चार केसेस होंगे और उनका मिक्सअप भी होगा, कोई मतलब फर्ज कीजिए ऐसे भी आता है, यानी कि कोई लाइन राइट से आ गई है, कोई लाइन टॉप से आ गई है, कोई लाइन लेफ्ट से आ गई है, कोई लाइन बॉटम से आ गई है, और कोई लाइन टॉप से होके फिर वो यहाँ लेफ्ट में चली गई है, वो फिर उनका मिक्सअप ही होगा। बेसिक केसेस मेरे पास लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम वाली होगी। पहले मैं लेता हूं, फर्ज कीजिए मेरे पास ये लाइन आ गई ऐसे, ठीक है, और आई नो फर्स्ट आई नीड टू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है कि नहीं, जब मुझे स्लोप पता होगी तभी तो मैं इस स्लोप से उतरूंगा कि कहां पे मैं फिर मैं रुकूंगा इंटरसेप्ट, और ये इंटर, तो पहली बात ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राइट से आ गई है, क्योंकि इसका ए बी आर एल कोड जो होगा इसका, क्योंकि ये राइट में आ गए ना, ये राइट में है क्योंकि इस विंडो के राइट में, तो इसका इसका होगा 0010। So, अगर ये वाला बिट वन है, that means it is on a right side. Line has come from the right side. अगर ऐसा आता तो इसका ABRL कोड क्या होता, 00101. So, अगर पहला बिट वन है तो उसका मतलब है मैं, I will check if the first bit is one, that means it has come from the left. If for this case, if the second bit is one, that means the line has come from the right. और मैंने देखा होगा कि इसको एंड करके जीरो निकल रहा है, यानी कि क्लिपिंग केस है ना, फर्ज कीजिए 0010 है और ये यहाँ पे घुस गया है, तो इसका इसका एबीआरएल कोड क्या होगा, 0000। जब मैं इनको एंड करूंगा 0010 को 0000 को, तो एंड तो 0000 ही आएगा, दैट मींस चूंकि दोनों जीरो नहीं थे, एंड करके जीरो निकला, इट इज ए क्लिपिंग केस। वो मैं समझ चुका हूँ, वो केस तो मैं समझ चुका हूँ कि अगर अगर दोनों जीरो होते तो ये ट्रिविली एक्सेप्ट केस था, यानी कि विंडो के अंदर था, लेकिन अगर दोनों में से एक भी वन नहीं है, सारे जीरो नहीं है और एंड करके लेकिन जीरो निकल रहा है, तो मतलब उसका ये है कि कुछ पार्ट जा रहा है किधर, विंडो के अंदर। अगर ऐसी लाइन होती, इनको जब मैं एंड करता तो एंड में वन आता, तो उससे पता चलता कि इसमें कोई भी पार्ट विंडो में नहीं घुसा है, सो आई हैव ट्रिविली रिजेक्टेड। समझ में आ रहा है दानिश यूसुफ से, क्या एग्जाम नहीं करनी, कैसा कर रही हूँ, तो बोरिंग ना चूस, आई एम ऑन एंटीबायोटिक्स बट स्टिल आई एम टीचिंग आई थिंक परफेक्टली, मगर चला शोंगुन समागज। अब मसला ये है कि मैं कैसे ये एसर्टेन करूं कि मुझे इसको इधर क्लिप करना है, इसको इधर क्लिप करना है ना, बस में आ रही है, ये इसका x एंड y है, फॉर एग्जाम्पल ये x1 y1 है जहां से शुरू हो रहा है, और ये x2 y2 है जहां पे खत्म हो रहा है। इस सूरत में जब सेकेंड बिट वन होगी, दैट मींस कि ये कहां से घुसा है, राइट से घुसा है, क्योंकि राइट वन है ना, तो राइट से घुसा है। इस सूरत में मुझे पता है एक चीज कि इसका चाहे यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहां पे हो, मतलब इस लाइन में, इस लाइन में ये कहां पे
दस मिनट बचे हैं, इस ये जो वाली, ये जो खड़ी वाली लाइन है इस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये मेरे को निकालना है ना। और अगर इसमें कहीं पर भी इसने इंटरसेप्ट किया, उन सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दैट इज योर एक्स मैक्स, एक्स डब्ल्यू मैक्स। चाहे ये स्ट्राइक इस पॉइंट ने किया, जब इस स्लोप से हम उतरेंगे हमें देखना है कि इंटरसेप्ट कहां पे इसने किया इस वाई एक्सिस को इसमें, लेकिन एक्स एक्सिस कॉमन रहेगी चाहे कोई भी वो पॉइंट हो, किधर भी वो कट करे, ठीक है ना, उन सब पॉइंट्स का एक्स डब्ल्यू मैक्स कॉमन रहेगा। खाली वाई देखना है कि वाई कहां पे है, ये वाई किधर काट रहा है, ये मुझे को करना है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, व्हाट विल बी स्लोप इक्वल टू, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ये होते ना स्लोप, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करते थे ना हम। सो व्हाट विल बी y2 इन दिस केस, y2 विल बी इक्वल टू y max, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर है ना, और y1 हो जाएगा फिर प्लस y1 प्लस m into x2 minus x1, यही होगा है कि नहीं। देखिए y1 इसका ये है जो था, y2 मुझे निकालना है, यानी कि इसका जो y2 है यानी कि इस पॉइंट का y2 जो मुझे, ये मुझे निकालना है वो किसके बराबर होगा, y1 मेरे को अपना ही है, ठीक है, m मेरे को पता होगा स्लोप कितनी है इसकी, वो मैंने निकाला होगा इससे पहले ही, और x2 will be equal to here what, xw max for sure minus x1, और ये x1 भी मुझे पता होगा इसका x होगा xw max हमेशा, चाहे वो कहीं पर भी इसको स्ट्राइक करे, लेकिन y ये निकालना पड़ेगा कि y2 किधर पे है, किधर पे इसने स्ट्राइक किया, इंटरसेप्ट किया, वो निकलेगा इस फॉर्मूला से। बताओ समझ आ गई, अगर ये समझ आ गया आपको तो मुझे बता इसका, क्योंकि ये आया है लेफ्ट से, कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट से आया है, इसकी लास्ट बिट, इसकी फर्स्ट बिट वन होगी, इसकी फर्स्ट बिट क्या होगी, वन वन। तो अगर ये यहां से आया है, फर्स्ट बिट इसकी वन है, यहां से ये आया है, ठीक है, तो अगेन सेम केस है इसका ये एक्स जो पार्ट होगा वो कॉमन होगा, दैट इज एक्स डब्ल्यू मिनिमम। चाहे ये देखो ये लाइन चाहे यहां पे कट करे, यहां पे कट करे, यहां पे कट करे, I don't know what happens to it. ये भाग क्यों रहा है मेरे, ये ना वन नोट को कुछ इश्यू है, वो भाग रहा है मुझे खुद ही, चाहे वो किसी भी लाइन पे कट करे। देखिए अगर मुझे ये लाइन आती है यहां से, यहां से, यहां से, वन सेकेंड, तो इन सारे पॉइंट्स का, इन सारे पॉइंट्स का कॉमन होगा, क्या होगा इस पॉइंट का कॉमन बताओ, हाँ आई एम नॉट एबल टू ड्रा, सो कुछ मसला है, हाँ अब आ गया। चाहे ये लाइन यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, जिधर भी ये काटेगा इसको y एक्सिस को, इन अगर कहीं पर भी काटता है उन सब का ये x कॉमन निकलेगा, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, क्योंकि उन सब का x डब्ल्यू मिनिमम x x होगा, x डब्ल्यू मिनिमम। लेकिन y क्या होगा वो देखना पड़ेगा, इस लाइन पे कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है तो ये निकालना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इन द सेम सिनेरियो हियर द y2 विल बी इक्वल टू y1 प्लस m, x2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, बाकी सेम रहेगा लेकिन एक्स डब्ल्यू मिनिमम यहां पे आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका एक्स वन वाई वन होगा, सो आई नो व्हाट इज एक्स वन, व्हाट इज वाई वन, व्हाट इज स्लोप, और एक्स टू की जगह एक्स डब्ल्यू मिनिमम आ गया मुझे, और मुझे निकलेगा वाई टू, यानी कि मुझे निकलेगा कि ये कहां पे इस वाई को कट कर रहा है। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ आ रही है, बताओ, हाँ जी नहीं आ रही समझ
समझ आ रहे नहीं आ रही है? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? सर ये दो केस का अलग है सर, लेफ्ट का अलग है राइट का अलग है. एग्जैक्टली सेम हम करेंगे फिर, सेम हम करेंगे फिर किसके साथ? हाँ जी इंशा कुइन, तेरा कैमरा बंद क्यों है? समीना जाफर, व्हाई इज योर फेस नॉट कमिंग इन कैमरा? इंशा कुइन, अपना कैमरा खोल के रखें सब लोग. ये तो हर एक का केस अलग होगा ना. फिलहाल मेरे चार केस होंगे, फिर उनके मिक्सअप भी होंगे मेरे पास. हमारे पास फिलहाल फोर केसेस हैं, देन वी हैव अ मिक्सअप ऑफ द केसेस. वन सेकेंड, लेट मी पुट इट इनसाइड दिस, वी विल कंटिन्यू विद दिस. आज खत्म करना है कंट्रोल भी. अगर मेरे पास अब केस ऐसा होगा, देखिए अब मेरे पास केस दूसरा है. वन नोट ने आज परेशान किया ना मुझे. ओके अब मेरी लाइन जो है वो नीचे से आ रही है. ये इसका x1 y1 है, ये इसका x2 y2 है. अब मुझे इसके स्लोप पता है, स्लोप निकलेगी m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. मुझे पता है मुझे इस स्लोप से जाके इधर काटना है, इसको इस x पोजीशन पे काटना है. ठीक है, लेकिन ये कहां पे कट कट गया? इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन. लेकिन मैं देख रहा हूं कि जहां पर भी मैं काटूंगा इसको, ठीक है, उन सब का ये कॉमन निकलेगा, है ना, उन सब का ये पॉइंट कॉमन निकलेगा. व्हाट इज दिस पॉइंट? एक्स मिन वाई मिन, दिस इज वाई डब्ल्यू मिनिमम. ये है ना इसका वाई मिनिमम, ये है इसका वाई मैक्स. यानी कि इस लाइन पे जो ये मेरी, ये मैं बना रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है. अगर मुझे ये लाइन पे वो इंटरसेप्ट निकालना है ना, कि इस लाइन पे होगा वो, ये मैं मोटिव बना रहा हूँ लाइन, इस पे ये लाइन कहीं पे इंटरसेप्ट करेगी ना, इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी, मुझे इस लाइन पे निकालना है. मैं कहता हूँ चाहे वो कहीं पर भी इंटरसेप्ट करे, चाहे यहां पर करे, इस पॉइंट पे करे, इस पॉइंट पे करे, इस पॉइंट पे करे, फिलहाल वो इस पॉइंट पे कर रही, चाहे किसी भी पॉइंट पे करे, उन सब का वाई मिनिमम होगा, क्योंकि ये है ना इसका वाई मिनिमम और ये है वाई मैक्स, ये है वाई मैक्स. उन सब का y क्या होगा? उन सब का y मिनिमम होगा, y w मिन होगा इन सब का. इस पे कोई भी पॉइंट होगा, जैसे जैसे मैं अगर इस पे लूंगा कोई भी पॉइंट, उन सब का y w मैक्स होगा y. इस तरह इस पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, उन सब का y w मिन होगा कॉमन. ठीक है, लेकिन x कॉमन नहीं होगा, क्योंकि x इसका से फॉर एग्जांपल 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, है ना, x इज गोइंग ऑन. So I need to calculate x in this case. So that means मेरे को x2 चाहिए इस वक्त. मुझे x2 ही चाहिए. जैसे अभी y2 चाहिए था, अभी x2 चाहिए मेरे को. ये x2 चाहिए मेरे को इस सूरत में, अगर बिलो से आ रहा है, क्योंकि इसमें y कॉमन रह रहा है. इससे पहले जो मैं कर रहा था ये वाला काम, इसमें x ही कॉमन था, ये x मिनिमम था, दूसरे केस में x मैक्सिमम कॉमन था. मुझे y निकालना था कि y एक्सिस पे किधर काट रहा है. इस सूरत में y कॉमन निकल रहा है और x में देखना है किधर काट रहा है. आई हैव टू सी x में किधर काट रहा है. तो मेरे को x2 ही चाहिए अभी इसमें, तो मैं x2 निकालूंगा इसमें से. सो ये दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 टाइम्स m इज इक्वल टू y2 माइनस y1. m फिर यहां जाएगा. So x2 will be equal to, this will be y2 minus y1 divided by m. और ये x1 उधर जाएगा तो plus बनेगा. So that is x1 plus this thing. लेकिन इस formula में मुझे x1 पता है. Okay? x1 पता है मेरे को. लेकिन y2 क्या होगा इसका? y2 100% इसका होगा y2 minimum.